नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मध्य प्रदेश में 6 और नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। भोपाल में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इन्हें मिलाकर अब एमपी में कुल 20 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये सभी मेडिकल कॉलेज प्रदेश के आदिवासी बहुल और पिछड़े इलाकों मंडला, सिंगरौली, राजगढ़, श्योपुर, नीमच और मंदसौर में खोले जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट ने इन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। मंडला, सिंगरौली, राजगढ़, श्योपुर, नीमच, मंदसौर में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी। 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कैबिनेट ने 12 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट और गांधी सागर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव लिया वापस। 2018 में केंद्र सरकार के कानून बनाने के बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव वापस लिया। धान मिलिंग में चावल की गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन। एमएसएमई विकास नीति में संशोधन को मंजूरी। धान मिलिंग के साथ ग्रेडिंग प्लांट के लिए 50 करोड़ तक के निवेश को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश के भोपाल से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।